दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। पिछले दिनों यानी कि लगभग पिछले एक पखवाड़े में भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। क्रांतिकारी मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि कई नए चेहरे सामने आए, जिसके अंदर सबसे प्रमुख चेहरे के रूप में आप देखें तो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने मोहनलाल बड़ौली, हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी बने सतीश पूनिया। तो ये बड़े नाम सामने आए पिछले दिनों के राजनीतिक घटनाक्रम में। मोहनलाल बड़ौली जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुए और अब उन्होंने हाल ही में दो दिन पहले यानी कि रविवार को विधिवत रोहतक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का जो कार्यभार भी संभाल लिया। आपसे इस वीडियो में मैं इसी मुद्दे पर चर्चा में हूं, मोहनलाल बड़ौली की नियुक्ति, मोहनलाल बड़ौली का दायित्व ग्रहण करना, मोहनलाल बड़ौली का राजनीति के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के अंदर और आकर औहदा, इस सब को लेकर। दोस्तों हर फिल्म की एक इनसाइड स्टोरी होती है, इसी प्रकार से हर एक घटना की भी एक इनसाइड स्टोरी हुआ करती है। नायब सिंह सैनी हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पिछले साल बने थे, उसके बाद में उनको इस साल यानी कि 12 मार्च 2024 को हरियाणा के मुख्यमंत्री का दायित्व भी मिल गया, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हो गए। लगभग 4 महीने तक नायब सिंह सैनी के पास दोनों कार्यभार रहे, यानी कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के मुख्यमंत्री। जिस दिन मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से सेवानिवृत्त किया गया यानी कि उनकी विदाई हुई हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से, उसी दिन चर्चा चली कि मनोहर लाल के स्थान पर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो फिर हरियाणा भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा आज ही। बड़े फूले फूले हुए थे उस दिन संजय भाटिया, करनाल के पूर्व सांसद, और एक नाम और चला था दोस्तों उन्हीं दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए। वो नाम तो पहले भी चला था, तब भी चला था जब नायब सिंह सैनी प्रदेश अध्यक्ष हुए थे, और वो नाम है अजय गौड़, फरीदाबाद वाले पंडित जी। मैं आपसे इन दोनों पर चर्चा करूंगा और इनसाइड स्टोरी क्या रही, ये क्यों नहीं बन पाए, और मोहनलाल बड़ौली की ताजपोशी में किसकी भूमिका रही, मनोहर लाल जी का क्या रोल रहा, कृष्णपाल गुर्जर की क्या भूमिका रही, इस सब पर आपसे मैं चर्चा में हूं। और एक सबसे जो मेन बात जो कि मोहनलाल बड़ौली का जो दायित्व ग्रहण हुआ यानी कि जो उनका राज तिलक हुआ, रोहतक में उनका कार्यभार संभाला, आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे, तो शुरू आपसे वहीं करता हूं कि जहां मैं आपको बता रहा था कि जिस दिन मनोहर लाल खट्टर की विदाई हुई और नायब सिंह सैनी की ताजपोशी हुई मुख्यमंत्री के पद पर, चर्चा चल पड़ी कि आज ही भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा, बधाइयों के दौर चल पड़े। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग खबरें दिखाई देने लग गई और नाम रेंग रहा था करनाल के सांसद, उस समय के सांसद थे, जो आज कुछ भी नहीं है, उस समय करनाल के सांसद थे, अब पूर्व सांसद हैं, संजय भाटिया का। और संजय भाटिया के नाम के बीच में ही उस समय भी नाम आया था अजय गौड़ का। आपको मैं बता दूं, ये दोनों वो नाम हैं, संजय भाटिया और अजय गौड़, जब मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे तो मुख्यमंत्री कार्यालय में, मुख्यमंत्री निवास में इन दोनों नामों की तूती बजती थी, डंका बजता था इन दोनों नामों का। मनोहर लाल के सबसे नजदीक थे, आपको ध्यान होगी 2019 वाली मनोहर लाल की वो यात्रा जो उन्होंने हरियाणा में निकाली थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि मनोहर पार्ट 2 के लिए, जो एक इवेंट हुआ था जो पूरे हरियाणा में रथ यात्रा, बस यात्रा चली थी मनोहर लाल की, जिसके अंदर सारथी के रूप में थे संजय भाटिया। और संजय भाटिया की कितनी महत्ता थी, कितने पावरफुल थे, कितने महत्वपूर्ण थे, आप इसे मान सकते हैं कि कई बड़े बड़े अहम फैसलों में संजय भाटिया का रोल रहा करता था। जब मनोहर लाल हटे यानी कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल से उनको सेवानिवृत्त किया गया और उनके स्थान पर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, मैंने आपको बताया कि संजय भाटिया का नाम चला, वो सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया में कई जगह उसकी कई दिन चर्चा रही कि आज नियुक्ति होगी या कल नियुक्ति होगी, बधाई संदेश जारी हो गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीता,
वैसे वैसे ये बात पुरानी होती चली गई, जैसे जैसे समय गया वैसे वैसे ये बात पुरानी होती चली गई, और भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष कोई नहीं मिला और नायब सिंह सैनी के पास ही दोनों दायित्व रह गए, यानी कि वो हरियाणा का मुख्यमंत्री भी और वो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी। संगठन और सरकार दोनों नायब की मुट्ठी में आ गए, दोनों नायब के पास थे। नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल के रिश्ते पर आपने बहुत बातें सुनी होंगी, बहुत बातें हमने भी आपको बताई, और उन बातों में कोई शक शुबा नहीं है कि मनोहर लाल और नायब सैनी की एक ही बात मानी जाती है। लेकिन फिर आखिर क्या हुआ? संजय भाटिया धीरे धीरे उस पद से, जिस कुर्सी पर वो जाने की बात थी, प्रदेश अध्यक्ष बनने की बात थी, उससे दूर हुए, और इतने दूर हुए कि जब लोकसभा का चुनाव डिक्लेयर हो गया तो संजय भाटिया को बिल्कुल किनारे कर दिया गया। आपने देखा होगा तो करनाल के लोकसभा चुनाव में जहां से कैंडिडेट थे मनोहर लाल, यानी कि 2019 का वो चुनाव जिसके अंदर मनोहर लाल पार्ट टू सरकार बनाने के लिए रथी की भूमिका में थे, तो सारथी थे संजय भाटिया, और अब जब केंद्र की राजनीति में मनोहर लाल जा रहे थे, उस सीट से चुनाव लड़ रहे थे सांसद का जहां से संजय भाटिया सांसद हुआ करते थे, लेकिन संजय भाटिया पिक्चर से बिल्कुल गायब थे, पूरी तरह से पिक्चर से दूर। और आज की स्थिति यह है कि अगर आप पूछें संजय भाटिया के बारे में भारतीय जनता पार्टी के जो राजनीतिक गलियारे में कहें या जो बीजेपी की गतिविधियां देखते हैं उनसे आप पूछें, तो शायद जवाब मिल जाए कि कौन संजय भाटिया, कौन संजय भाटिया। संजय भाटिया का जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा था कि मैं एक लाइन में कह दूं कि बड़े अरमान से रखा था कदम, प्रदेश अध्यक्ष वाली लाइन में, लेकिन वो एक कहावत है ना कि तेरे कूचे से हम निकले, बाकी आप खुद समझदार हैं, यानी कि संजय भाटिया का जो रहा पूरे इस दौर में प्रदेश अध्यक्ष पद वाली कुर्सी तक जाना, और फिर उससे उनकी किस प्रकार से उनकी एंट्री बंद हुई, उनका रास्ता रुका, अवरोध आए, और आखिरकार ये समय आ गया कि मैंने आपको बताया कि अगर भारतीय जनता पार्टी के किन्हीं पॉलिटिकल जो गतिविधियां देखते हैं उनसे पूछें कि संजय भाटिया जी आजकल क्या किस दायित्व पर जा सकते हैं, तो आपको जवाब मिलेगा कि कौन संजय भाटिया। खैर, मोहनलाल बड़ौली बन गए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। मोहनलाल बड़ौली किसी समय पर मुख्यमंत्री, जो निवर्तमान पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बहुत नजदीक माने जाते थे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा रहती थी कि मोहनलाल बड़ौली को लोकसभा का टिकट दिलवाने में बहुत बड़ा अहम रोल था, बताया जाता था मनोहर लाल जी का। मनोहर लाल के अलावा फिर नायब सिंह सैनी और मोहनलाल बड़ौली की भी जोड़ी बड़ी जमती रही है। मनोहर लाल के बाद में, यानी कि जब मनोहर लाल, वो भी मनोहर चाल थी जिसमें कि धनखड़ साहब की छुट्टी हुई और नायब सिंह सैनी की एंट्री हुई प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए। नायब सिंह सैनी प्रदेश अध्यक्ष बने और नायब सिंह सैनी के साथ महामंत्री मोहनलाल बड़ौली भी हुए। उस समय भी चर्चा चली थी एक नाम की, जिसका मैंने आपसे जिक्र कर चुका हूं, अजय गौड़। पूरी बात अजय गौड़ वाली बताऊंगा आपको, इनसाइड स्टोरी। संजय भाटिया वाली आप बात आप यूं समझ लें कि सबसे बड़ा जो फैक्टर माना गया वो ये माना गया कि संजय भाटिया के साथ में जो करनाल के सांसद होते हुए उनके साथ कई ड्रॉबैक जुड़ गए, जिसकी वजह से उनको राजनीतिक रूप से हाशिए पर ला दिया गया, आप ये मान सकते हैं। और अगली लड़ाई का भी आपको बता दें कि संजय भाटिया पानीपत विधानसभा क्षेत्र की जो टिकट वाली लड़ाई है, हमारे राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि मैं आपको आज ही बता रहा हूं कि वो उस लड़ाई में भी पिछड़ेंगे। प्रमोद विज जो वहां के विधायक हैं पानीपत के, उनकी राह में अभी कोई रोड़ा दिखाई नहीं दे रहा। तो संजय भाटिया जिस तेजी के साथ शिखर पर पहुंचे थे, जिस तेजी के साथ वो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की राजनीति के मेन स्ट्रीम में पहले पायदान पर हुआ करते थे, उसी प्रकार वो धीरे धीरे वो वहां से पीछे 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 और हाशिए पर आ गए। मैं आपको बता रहा था कि नायब सिंह सैनी जब प्रदेश अध्यक्ष हुए, जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, मैंने आपसे कहा कि वो भी एक मनोहर चाल थी जिसमें कि ओम प्रकाश धनखड़ की रुखसती हुई हरियाणा के संगठन से, राष्ट्रीय सचिव बने और इधर नायब सिंह सैनी का नंबर लगा, वो बने प्रदेश अध्यक्ष।
पूरे हरियाणा में घूम घूम करके नायब सिंह सैनी ने माहौल बनाना शुरू किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। नायब सिंह सैनी मेहनत कश आदमी है, मेहनती चरित्र है, मेहनती व्यक्तित्व है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और नायब सिंह सैनी अपने फैसलों से हरियाणा की जनता को वर्तमान में अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब बात आ जाती है अजय गौड़। मैंने आपसे बताया कि अजय गौड़ का नाम तब भी चला जब नायब सिंह सैनी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हुए, चर्चाओं में नाम आया था कि अजय गौड़ का नाम भी हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए नंबर में है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस प्रकार संजय भाटिया प्रभावशाली थे, अजय गौड़ मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सचिव, राजनीतिक सलाहकार, पॉलिटिकल असिस्टेंट, पूरी तरह से मनोहर लाल पर अजय गौड़ का दबदबा था, आप इसे भी कह सकते हो। यानी कि हरियाणा का जो मुख्यमंत्री निवास, उसमें अजय गौड़ की तूती बोलती थी। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले जब पलवल के आजकल के विधायक दीपक मंगला, जो उस समय राजनीतिक सचिव हुआ करते थे, राजनीतिक सलाहकार हुआ करते थे मनोहर लाल के, जब उनकी छुट्टी हुई दीपक मंगला की, और दीपक मंगला को पलवल से विधानसभा के लिए तैयार किया जा रहा होगा या कारण जो भी रहे हो, उनके स्थान पर अजय गौड़ बने हरियाणा के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव। उससे पहले एक प्रदेश लेवल के एक बोर्ड के चेयरमैन थे अजय गौड़, और मनोहर लाल की नज़दीकियां अजय गौड़ के साथ आप इतनी मान सकते हैं कि साये की तरह वो मनोहर लाल जी के साथ दिखाई पड़ते थे हर वक्त। और इसके साथ साथ अजय गौड़ जहां मनोहर लाल के नज़दीक हैं, वहीं फरीदाबाद के सांसद, तीसरी बार के सांसद, हैट्रिक सौम्य नेताजी, हैट्रिक सांसद कृष्ण पाल गुर्जर, उनके भी वो बहुत नज़दीकियों में शामिल हैं अजय गौड़। कृष्ण पाल गुर्जर की भी साया छाया के रूप में आपको हमेशा दिखाई देते हैं। और मैंने आपको बताया कि जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे तो अजय गौड़ के नाम का डंका बजता था मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री कार्यालय और फरीदाबाद के राजनीतिक गलियारे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर। जब धनखड़ साहब की छुट्टी हो रही थी तो नाम चल रहा था अजय गौड़ हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं, हमने भी आपको उस समय एक बार बताया था, लेकिन बात बन नहीं सकी। अजय गौड़ के जो अरमान थे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के, राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि उस समय पैरवी पूरी हुई थी, लेकिन भाजपा आलाकमान ने तय कर लिया था कि एक बैकवर्ड चेहरे को, पिछड़े वर्ग के नेता को बनाना है हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नायब सिंह सैनी। जितने क्लोज वो मनोहर लाल के थे आप मान सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को यूं ही नहीं बना दिया जाता। और आज का अगर आप संबोधन देखें, जिस प्रकार शान में कसीदे पढ़ रहे थे नायब सिंह सैनी के अमित शाह, महेंद्रगढ़ में रैली के दौरान, और अमित शाह ने नायब सिंह सैनी को हीरो करार दिया, हीरो, और ये कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का कोहिनूर है एक तरह से। सारे उनके जो भाषण थे, उनकी जो स्पीच थी, उसका आप टोटल मिला करके जमा घटा ये अंक निकाल सकते हैं आंसर, कि हरियाणा के कोहिनूर भारतीय जनता पार्टी के नायब सिंह सैनी। अजय गौड़ का नाम अब की बार भी चला प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए। जब बात चली कि नायब सिंह सैनी के पास दोहरी जिम्मेदारी है इसको मुख्यमंत्री पद, क्योंकि उनको अगला मुख्यमंत्री भी घोषित कर दिया गया है, मुख्यमंत्री का चेहरा, कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो फिर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे, यानी कि नायब सिंह के चेहरे के साथ बीजेपी चुनाव मैदान में है। अब आपको बता दूं, संजय भाटिया की बात हुई, आपको बता दें अजय गौड़ के और नायब सिंह सैनी के बारे में राजनीतिक सूत्र बताते हैं। मेरे राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक खासकर जो भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द नज़दीकी लोग हैं, वो कहते हैं कि नायब सिंह सैनी और अजय गौड़, नाम बहुत सारे हैं, जब जब जिन नाम पर हम आपसे कोई वीडियो शेयर किया करेंगे तो चर्चा जरूर किया करेंगे, आज बात अजय गौड़ की हो रही है, तो राजनीतिक सचिव रहते हुए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नज़दीक रहते हुए, बताते हैं कि नायब सिंह सैनी और अजय गौड़ जी के संबंधों में वो मधुरता और मिठास नहीं थी। अब वो कितनी मधुरता थी या नहीं थी, ये तो वैसे तो अजय गौड़ बता सकते हैं और या नायब सिंह सैनी खुद बता सकते हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजनीतिक गलियारों, यानी कि चंडीगढ़ के राजनीतिक गलियारे में जिनकी चर्चा हुआ करती है, चाहे वो खबर नवीस लोग हों, चाहे वो सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग हों, उन सब का ये मानना है कि कहीं ना कहीं वो मिठास नहीं थी।
और अब जब अजय गौड़ का नाम चला, राजनीतिक सूत्र ये भी बताते हैं हमारे और राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा है, और इसकी एक वानगी भर ये दिखी कि मोहनलाल बड़ौली का दायित्व ग्रहण यानी कि उनकी ताजपोशी, अजय गौड़ को भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए अब भी बताया जाता है लॉबिंग की मनोहर लाल जी ने भी और कृष्णपाल गुर्जर ने भी, कि जब भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष दिया जाना है तो फिर ब्राह्मण चेहरा है तो फिर अजय गौड़ की तरफ देखा जा सकता है। और वैसे भी रामविलास शर्मा दक्षिण हरियाणा से अध्यक्ष हुए, उसके बाद ना तो औद्योगिक नगरी ना गुरुग्राम का क्षेत्र, यहाँ से कभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद का नंबर कृष्णपाल गुर्जर जी के बाद में किसी का आया नहीं। इस सब को लेकर भी चर्चा थी। मनोहर लाल जी के नज़दीक वो हैं ही अजय गौड़, लेकिन बताया ये जाता है कि जो मोहनलाल बड़ौली प्रदेश अध्यक्ष बने, इनकी लॉबिंग के लिए, हालांकि राजनीतिक लोग ये समझ सकते हैं कि भाई मनोहर लाल जी का, लेकिन जो मेरे सोर्स बता रहे हैं वो ये हैं कि बड़ौली की जो रूपरेखा बनाई गई, बड़ौली की जो फील्डिंग की गई, लॉबिंग की गई सारी, वो विप्लव कुमार देव की तरफ से, और उसके अंदर योगदान रहा नायब सिंह सैनी का भी। और उसके पीछे मैंने आपको कारण बताया कि अजय गौड़ के राजनीतिक सचिव रहते और नायब सिंह सैनी के सांसद रहते, जो मैंने आपको बताया मिठास वाली बात, मधुरता वाली बात। खैर, मोहनलाल बड़ौली की जो ताजपोशी हुई रविवार को, आपने देखा होगा कि जब ताजपोशी नायब सिंह सैनी की हुई थी तो उस समय मनोहर लाल वहां थे, मुख्यमंत्री थे उस समय के, कृष्णपाल गुर्जर वहां थे, तमाम भाजपा का नेतृत्व सारा वहीं था। अभी पिछले दिनों धर्मेंद्र प्रधान जो चुनाव प्रभारी हुए हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के, उनका और तमाम चुने हुए सांसदों का वो कार्यक्रम हुआ, उसमें भी तमाम नेता मौजूद थे, केवल राजा साहब को छोड़ दें। लेकिन अब जब मोहनलाल बड़ौली का ताजपोशी हुई तो बीजेपी के बड़े चेहरे उसमें दिखाई नहीं दिए, चाहे वो मनोहर लाल हों, चाहे वो कृष्णपाल गुर्जर हों, चाहे उसके अंदर आप देख लें तो राव इंद्रजीत सिंह हो, तमाम बड़े चेहरे वहां दिखाई नहीं दिए। नायब सिंह सैनी ने उनकी ताजपोशी कराई। अजय गौड़ के प्रदेश अध्यक्ष बनने की चर्चाएं लंबे समय चलती रही, लेकिन अंतोगत्वा वो सारी चर्चाएं दम तोड़ गई जब मोहनलाल बड़ौली प्रदेश अध्यक्ष हुए। और उसके पीछे के मैंने आपको कारण बताए, कुछ ये भी बताया कि लॉबिंग के मामले में भी मोहनलाल बड़ौली की जो की गई लॉबिंग, वो एक दूसरा ही उसका एक प्रारूप था। मैंने आपको बताया संजय भाटिया का विधानसभा का, तो अगर अजय गौड़ जी की बात कर ले तो अजय गौड़ भी फरीदाबाद विधानसभा चुनाव जो है, फरीदाबाद 89, जहां से नरेंद्र गुप्ता आजकल विधायक हैं, अजय गौड़ की बड़ी चर्चाएं हैं कि अजय गौड़ की भी लॉबिंग हो रही है, अजय गौड़ भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब बात यह आ जाएगी कि अजय गौड़ जी क्या टिकट की बाजी मारेंगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष वाली बाजी तो वो हार गए, प्रदेश अध्यक्ष वाली बाजी में तो वो पिछड़ गए, और महामंत्री अब उनका बनने का कोई चांस रहेगा नहीं, क्योंकि ब्राह्मण चेहरे जब महामंत्री हो गए तो फिर किसी ब्राह्मण नेता को महामंत्री की कमान भी सूबे की नहीं मिलेगी। इसके बाद बात आ जाती है टिकट की। नरेंद्र गुप्ता यहाँ से वर्तमान विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, और नरेंद्र गुप्ता पर कोई बड़ी तोहमत भी नहीं है। ये जरूर कहा जा सकता है कि उनके बारे में बात चलती है, कैंटीन कंपेंसी उनकी हो सकती है या ये तमाम बातें, लेकिन नरेंद्र गुप्ता के बारे में अगर किसी की बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिविटी ना हो तो फिर किसी की बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिविटी भी नहीं है। दूसरी बात, इसी फरीदाबाद 89 पर जो 2014 से 19 विधायक रहे, प्रदेश के उद्योग मंत्री रहे विपुल गोयल, जिनका 2019 में टिकट कटा विधानसभा का, 2019 में टिकट मांगते तो थे वो, नहीं मिला लोकसभा का, 2024 में भी उनको टिकट नहीं मिला लोकसभा का, अब की बार वो भी अपनी पूरी तैयारी में है, वो भी अंदर अंदर जरूर लगे होंगे अपने सूत्रों के साथ में। और जो उनके जो राजनीति के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जो विपुल गोयल के सोर्स होंगे, उन्होंने पूरी ताकत लगा रखी होगी। इस लिहाज से क्या अजय गौड़ की लॉटरी फरीदाबाद विधानसभा चुनाव के लिए लग सकती है, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रदेश अध्यक्ष वाली दौड़ जिसमें वो पिछड़े, तो क्या उनको उसके पारितोषिक के रूप में कहें, या उसके प्रदेश अध्यक्ष का जो पद नहीं मिल पाया उसके बदले में
क्या उनको विधानसभा में कंसीडर किया जा सकता है, और विधानसभा में उनकी पैरवी कृष्णपाल गुर्जर और मनोहर लाल जी कितनी करेंगे, और वो पैरवी कितनी सक्सेस होगी अगर वो प्रदेश अध्यक्ष पद पर नहीं हो पाई। कमेंट्स बॉक्स में आप भी जरूर बताएं कि जो हमने आपको बताया आप इससे कितने सहमत हैं, और जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।